आगामी बकरा ईद पर्व को लेकर रजरप्पा थाना परिसर में इंस्पेक्टर से थाना प्रभारी विद्या शंकर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान चितरपुर और डुमली प्रखंड के दर्जनों प्रतिनिधि और गणमान्य व थाना के अन्य ऑफिसर शामिल हुए। आगामी बकरा ईद पर्व को लेकर रजरप्पा थाना परिसर में इंस्पेक्टर से थाना प्रभारी विद्या शंकर की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान चितरपुर और डुमली प्रखंड के दर्जनों प्रतिनिधि और गणमान्य व थाना के अन्य ऑफिसर शामिल हुए, जिन्होंने बारी बारी से अपनी बातों को रखते हुए बकरा ईद त्योहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया। बैठक में थाना प्रभारी श्री विद्या शंकर ने कहा कि सभी लोग अपनी अपनी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करें और सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर नजर बनाए रखें। उन्होंने कहा कि मुख्यालय के आदेश अनुसार प्रशासन की नजर पूरी तरीके से सोशल मीडिया और असामाजिक तत्वों पर बनी हुई है। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कानून की जद में आना पड़े। आज दिनांक 7/7/2022 को बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, नवनिर्वाचित जो जिला परिषद हैं, सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया लोगों को आमंत्रित किया गया था। क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पूछा गया तथा बकरीद पर्व को शांतिपूर्व मनाने की दिशा में जो भी आवश्यक काम सलाह जो लिए गए हैं और मेरे तरफ से जो मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं उनको दिया गया। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जैसे पूर्व से शांति व्यवस्था बनाए रखकर बकरीद मनाया जाता था, इस बार भी मनाया जाएगा। कहीं से भी किसी प्रकार का कोई भी अड़चन या कोई तरह का विपरीत बात प्रकाश में नहीं आई। इसी उम्मीद के साथ कि शांतिपूर्वक मनाया जाए बकरीद, इस सभा को समाप्त किया गया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रामगढ़ झारखंड से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।